हिनखोज डिक्शनरी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर वो सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड हैं डॉक्टर्स से। आप इस वीडियो को इस तरह से देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। दैट मीन्स आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के बारे में जानेंगे कि हृदय के रोग का जो विशेषज्ञ है, डॉक्टर है, उसे क्या कहते हैं, या स्त्री रोग विशेषज्ञ है उसे क्या कहते हैं। अगर कोई डॉक्टर हमारे तंत्रिका तंत्र, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम को ट्रीट कर रहा है, या हड्डियों का डॉक्टर है, तो उसे हम क्या कहेंगे। क्या आप जानते हैं कि जो हम नॉर्मली दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारे दांत में कोई दिक्कत हो जाती है, तकलीफ होती है, तो हम दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं। पर अगर आपके गम्स में, मसूड़ों में दिक्कत होगी, तो किसके पास जाएंगे, उस डॉक्टर को आप क्या कहेंगे। और अगर आप ये भी देखें कि हम नॉर्मली बोल देते हैं, अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो वो स्त्री, अगर स्त्री को कोई बीमारी है, महिलाओं को कोई बीमारी है, तो वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएगा, जिसे हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। पर जो प्रेगनेंसी के टाइम, बच्चे के जन्म के समय डॉक्टर रहता है, उसे कुछ और कहते हैं। तो ये सब जानना आपके लिए वैसे भी अच्छा है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि रिलेटेड है डॉक्टर्स से। एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए जानते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है अ मेडिकल स्टूडेंट। सबसे पहले तो यही जानने कि मेडिकल स्टूडेंट को क्या कहते हैं। मेडिको, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ने वाला, उसे कहते हैं मेडिको। अ डॉक्टर हु डील्स विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम फाउंड ओनली इन मेन। विमेन के बारे में तो हमने काफ़ी पढ़ा है कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है उसे ये कहा जाता है, पर आदमी के रोगों का जो विशेषज्ञ है, जो उनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चेक करता है, उसका विशेषज्ञ, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एंड्रोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन एनेस्थेशिया एंड एनेस्थेटिक्स। जब ऑपरेशन होता है स्पेशली, तो उस टाइम एनेस्थेशिया दिया जाता है ताकि व्यक्ति, पेशेंट जो है, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सके और उसे पेन का पता नहीं चले। तो ऐसे डॉक्टर को हम कहते हैं एनेस्थेशियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हर डॉक्टर के नाम के पीछे IST सफिक्स लगा है। तो IST सफिक्स जो है वो एक नाउन सफिक्स है और किसी पर्सन को डिनोट करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर की तरफ, जो है अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन हार्ट डिसीजेस। ये तो सबको पता है, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल की बीमारी का विशेषज्ञ। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द फीट एंड देयर एलमेंट, या फुट डॉक्टर जिसे हम कहते हैं। अगर आपके फुट में, फीट में तकलीफ है, तो आप किसके पास जाएंगे, तो उसे कहा जाता है काइरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट मत रीड कीजिएगा, CHIRO काइरो है, या उसे आप पॉडियाट्रिस्ट भी बोल सकते हैं, पैरों की बीमारी का विशेषज्ञ। स्पेशली जो हमारे फीट में दर्द होता है, बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उसकी वजह से पैरों में, तलवे में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए हम काइरोपोडिस्ट के पास जाते हैं। अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इन द टू द हेयर, स्किन, नेल्स एट्सेट्रा। अगर आपको किसी हेयर में, स्किन में, नेल्स में, या किसी भी तरह के कॉस्मेटिक्स इश्यूज हैं, तो आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो होगा कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन स्किन डिजीजेस। ध्यान दीजिएगा, वो जो डॉक्टर है वो हमारे ओवरऑल कॉस्मेटिक्स जो हैं, जैसे हेयर ट्रीटमेंट है, नेल्स का ट्रीटमेंट है, हर तरह के ट्रीटमेंट को करेगा। पर यहाँ पर अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन स्किन डिजीजेस, पर्टिकुलरली स्किन डिजीजेस, उसे कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपको रैशेस हो रहे हैं, या किसी तरह की बीमारी हो गई है, फंगस इन्फेक्शन है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अ डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड टू डायग्नोस एंड ट्रीट प्रॉब्लम्स इन योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लिवर, और यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको गैस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जाएंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर की तरफ, जो है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, या और
चलने में दिक्कत होती है, गठिया का रोग हो जाता है, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, बोन्स कमजोर होने लगती हैं। तो ऐसे जो बीमारियां हैं जो ओल्ड एज में होती हैं, इवन वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो जिस डॉक्टर को वो कंसल्ट करेंगे वो होगा चेरेनोटोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे जो चरण है, चरण वो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओल्ड एज। अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन फीमेल डिजीजेस, गायनेकोलॉजिस्ट। पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, अगर आप फीमेल को कोई भी इश्यूज हैं तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और अगर मेल को कोई इशू है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तो वो जाएंगे एंड्रोलॉजिस्ट के पास। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ब्लड, ब्लड मेकिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। अगर आपके ब्लड में डिसऑर्डर है तो आप जाएंगे हेमेटोलॉजिस्ट के पास। जो पर्टिकुलर नाम दिया गया है उस डॉक्टर को वो है हेमेटोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग एंड मैनेजिंग एलर्जीज, एज्मा एंड अदर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। किसी भी तरह की एलर्जी है, एस्मा है, एस्मा एस्थमा नहीं होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एस्मा, और इम्यून सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर है तो आप जाएंगे इम्यूनोलॉजिस्ट के पास, इम्यूनोलॉजिस्ट। अ फिजिशियन हु ट्रीट्स किडनी डिजीजेस, आजकल लोगों को बहुत किडनी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। जो ऐसा फिजिशियन, ऐसा डॉक्टर जो किडनी की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर है और उसको ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है, और न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम में अगर डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अ फिजिशियन हु स्पेशलाइजेस इन चाइल्ड बर्थ, उसे कहा जाता है ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। सो गायनेकोलॉजिस्ट जरूरी नहीं है कि वो ऑब्स्टेट्रिशियन भी हो, वो नॉर्मल फीमेल के प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पर जो पर्टिकुलर फिजिशियन होते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो वहां पे होते हैं उन्हें ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। अ पर्सन हु एग्जामिन्स और ट्रीट्स पीपल्स आईज, या फिर अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन आई डिजीज, ऑक्यूलिस्ट या ऑफ्थमोलॉजिस्ट, नेत्र वैद्य। अब यहाँ पे ऑक्यूलिस्ट और ऑफ्थमोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ऑक्यूलिस्ट जो है वो लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, और इसमें जो रूट वर्ड यूज़ किया है वो है ऑक्यूलिस, लैटिन में जिसका मीनिंग होता है आई, और ये रादर आउटडेटेड या ओल्ड फैशन टर्म्ड है। मीनिंग वही है ऑक्यूलिस्ट का, नेत्र वैद्य, आंखों की बीमारी का डॉक्टर, आंखों को जो चेक करता है। जो नया वर्ड है वो है ऑफ्थमोलॉजिस्ट, जो अक्सर हम यूज करते हैं, और ये ग्रीक वर्ड है। इसमें जो रूट वर्ड है वो है ऑफ्थमोलॉज, जिसका मतलब भी होता है आई। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्यूलिस्ट और ऑफ्थमोलॉजिस्ट एक ही है। एंड एक्सपर्ट इन मेकिंग आई ग्लासेस, ऑप्टिशियन, ये भी एक तरह का डॉक्टर ही है। अगर आपको चश्मे बनवाने हैं तो किसके पास जाएंगे? ऑप्टिशियन के पास। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ऑनकोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट करता है उसे कहते हैं ऑनकोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट। एंड अ स्पेशलिस्ट इन टीथ एलमेंट, बहुत कॉमन बीमारी है दांतों की बीमारी, तो डेंटिस्ट। ओवरऑल अगर आप देखें तो डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं। और अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन करेक्टिंग द पोजिशन ऑफ द टीथ, आपने देखा होगा बहुत से लोग आगे अपने दांतों में वायर्स लगा के रखते हैं, राइट, कि उनके जो दांत हैं बाहर निकले हुए हैं वो सही पोजीशन पे आ जाए। तो वो डेंटिस्ट तो है डॉक्टर, पर वो पर्टिकुलर डेंटिस्ट में भी ब्रांचेस होते हैं ना, तो वो कौन से डॉक्टर के पास जाएगा? ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। वही जो शेप्स, करेक्टिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ द टीथ, जो दांतों की पोजिशन है उसको सही करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट।
A dentist who specializes in the treatment of gums and other tissues around the teeth. अगर आपके मसूड़े में से खून निकल रहा है तो किसके पास जाएंगे? ऑर्थोडोंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, उस समय जाएंगे आप पेरियोडोंटिस्ट के पास। ये सब डेंटिस्ट की ही ब्रांचेस हैं, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो इतना ईजी सवाल तो वो आपसे पूछेंगे नहीं। तो बाइफर्केशन कर दिया गया है ऑर्थोडोंटिस्ट और पेरियोडोंटिस्ट के बीच में। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स दैट हैव नॉट ग्रोन करेक्टली। ध्यान रखिएगा, बोन्स प्रॉपरली ग्रोन नहीं हुई हैं। जो डॉक्टर ऐसे बोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपेडिस्ट कौन है? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स दैट हैव नॉट ग्रोन करेक्टली, जो प्रॉपरली ग्रो नहीं हुई है, सही से ग्रो नहीं हुई है, उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट। पर अ डॉक्टर हु फोकसेस ऑन केयरिंग फॉर द बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, नर्व्स एंड टेंडन्स, दीज पार्ट्स आर रेफर्ड टू एज मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। अगर आपको पैर की हड्डी टूट गई है या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाएंगे? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। पर अगर आपका बोन फुल्ली ग्रोन नहीं है या करेक्टली ग्रोन नहीं हुआ है, ग्रो नहीं हुआ है, तो आप जाएंगे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन चिल्ड्रंस डिजीज, पेडियाट्रिशियन। अगर आप के बच्चे को कोई तकलीफ है, बीमारी हो गई है, तो पेडियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, पेडियाट्रिशियन के पास। दोनों ही स्पेलिंग इसकी करेक्ट होती है, बाल चिकित्सक जिसे हम बोलते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग पर्सन विथ मेंटल एब्रेशन। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक तरह की ये मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, डिसऑर्डर भी नहीं, इलनेस कहा जाएगा। तो अगर ऐसी इलनेस है आपको तो आप साइकैट्रिस्ट कैसे कंसल्ट करेंगे, मनोरोग विशेषज्ञ से। अ डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स लंग डिजीजेस, प्यूलोमोनोलॉजिस्ट, जो लंग्स के में अगर डिसीज है उसको ट्रीट करते हैं, ऐसे डॉक्टर को हम कहते हैं प्यूलोमोनोलॉजिस्ट। एंड फाइनली अ फिजिशियन हु स्पेशलाइजेस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, उसे कहा जाता है यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ। अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है, एक बीमारी होती है यूटीआई, तो अगर उस तरह की बीमारी अगर आपको हो रही है तो आप जिस फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे वो होगा यूरोलॉजिस्ट। तो ये थे ऐसे कुछ डॉक्टर्स के नेम्स जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ये एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपसे पूछा जा सकता है और नॉर्मल तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बाकी लोगों के भी काम आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमिडिएटली मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो